हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ विपिन सिंह। मैं अपने एक नए वीडियो के साथ फिर अपने चैनल एजुकेशनल हाइक पे आ चुका हूँ। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि वन बाय वन डेली मैं आप लोगों के लिए हार्डवर्क करूँगा और अपने पर्टिकुलर चैनल पर एसएसटी के सभी पार्ट्स के वीडियो को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं पावर शेयरिंग का पार्ट टू लेकर आया हूँ। ओके, तो पार्ट टू का जो हमारा अपकमिंग टॉपिक है वो ये है कि एथनिकल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था, और सेकंड थिंग बेल्जियम की और श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन था उन दोनों के कंडीशन में क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिससिमिलरिटीज़ थी। इन सभी टॉपिक्स पे मैं अपने पार्ट टू में डिस्कशन करूँगा। पार्ट फर्स्ट जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया था, जिसमें आपसे मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग, ये दो चीज़ों के बारे में हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था। लेकिन पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कि आपके श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था, क्या कारण थे वहां पे सिविल वार के। आज ही का दिन 23 जुलाई 1956 को वहां पे सिविल वार हुआ था सिन्हालास के बीच में और तमिल स्पीकिंग के बीच में। वो सारे विभिन्न वेरियस टॉपिक्स पे आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, देखिए हमने किसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में कल पढ़ा था। कल हमने बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे क्या कहते हैं 59% डच स्पीकिंग पर्सन रहते थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन रहते थे और 1% आपके जर्मन स्पीकिंग पर्सन रहते थे। ये पूरे के पूरे होल बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन था। लेकिन यहाँ पे बात ये था कि आपके ब्रुसेल जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी, वहाँ के एथनिक कंपोजिशन में और पूरे के पूरे बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था। ठीक है, ये वहां पे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। लेकिन आपके श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आपके सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन, उनके पास पूरी मेजॉरिटी थी और अपने मेजॉरिटी का वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं वो कहते हैं मिसयूज कर रहे थे अपने, वो क्या कहते हैं जो उनके मेजॉरिटी थी उस मेजॉरिटी पावर का वो पूरी तरीके से मिसयूज कर रहे थे। वो माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे थे, उनके राइट्स को क्या कहते हैं टॉलरेट कर रहे थे। एवरीथिंग आपके श्रीलंका में हो रहा था। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का समझते हैं। एथनिक वर्ड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। एथनिक वर्ड का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसको नेशनलिटी के, कल्चर के, रिलीजियस के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, उसका मतलब होता है एथनिक। तो देर न करते हुए हम लोग समझेंगे श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। ओके, ये है आपके श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। श्रीलंका कहाँ पर है इसको मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। एशिया में ये एक आइसलैंड कंट्री है जो इंडिया के साउदर्न पार्ट्स में सिचुएटेड है। ये सबको पता है, श्रीलंका के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं है आई थिंक। सो मेरा इतना आज यहाँ पर बस यही आपको बताऊँगा कि श्रीलंका में जो ये एथनिक कंपोजिशन की हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके 1948 में ये भी कॉलोनियल पावर के द्वारा सब्जुगेट किए गए थे। उनके इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद, श्रीलंका के इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद 1948 में जो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन था, जो श्रीलंका का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था, इस तरीके से था कि 74% वहाँ पर जो लोग रहते थे वो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे। इसके बाद 18% आपके तमिल लैंग्वेज में बात करते थे और जो रिमेनिंग थे वो क्रिश्चियंस थे, वो सिन्हाला तमिल, इसके बाद
सिन्हाला तमिल दोनों लैंग्वेजेस में बात किया करते थे, कहने का ये मतलब था. और जो सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन थे ये किस रिलीजियस को प्रमोट करते थे? बुद्धिज्म रिलीजियस को प्रमोट करते थे. तमिल स्पीकिंग पर्सन कौन थे? तमिल स्पीकिंग पर्सन आपके हिंदू को भी और मुस्लिम, इन दोनों रिलीजियस को प्रमोट करते थे. ओके वो हिंदूज़म को और मुस्लिम्स को, दोनों रिलीजियस को प्रमोट करते थे. और क्रिश्चियंस आपको खुद ही पता है कि ये रिलीजियस है. तो यहाँ पे श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन था वो कुछ इस तरीके से था कि वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? वहाँ पे मेजॉरिटी थी सिन्हालास की. इनकी क्या थी? मेजॉरिटी थी. और अपने मेजॉरिटी का ये पूरा क्या, पूरी तरीके से अपने मेजॉरिटी को ये इंजॉय कर रहे थे. ओके माइनॉरिटीज किसकी थी? माइनॉरिटीज तमिल स्पीकिंग की और क्रिश्चियंस की थी. लेकिन बात यहाँ पे ये फंसती है कि लड़ाई लड़ी किसने? लड़ाई लड़ी तमिल स्पीकिंग पर्सन्स ने. तमिल स्पीकिंग पर्सन्स को ये बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि वहाँ पर श्रीलंका में उनके राइट्स को टॉलरेट किया जा रहा था, अवॉइड किया जा रहा था. कौन अवॉइड कर रहा था? आपके मेजॉरिटी. और मेजॉरिटी किसकी थी? मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन्स की. मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन्स की. ओके मेजॉरिटी वहाँ पे किसकी थी? सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन्स की. तो तमिल स्पीकिंग पर्सन्स की माइनॉरिटी थी और इनके ऊपर लगातार वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. और वो किस कम्युनिटी के लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे? सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन्स. ओके तो ये आपके श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन था. देखिए बेल्जियम के और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में क्या डिफरेंस था, थोड़ा इसको हम समझेंगे. ओके बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन में और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में थोड़ा बहुत क्या था, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत क्या आप कह लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. वो क्या डिफरेंस था समझते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपके बेल्जियम में उन्होंने एक समय के बाद 1960 से लेकर 1973 तक चार बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया. और इस अमेंडमेंट की मदद से, इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद में वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सिविल वॉर की कंडीशन नहीं बनी. ओके और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने दोनों पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लोगों को इक्वल राइट्स दिए. लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ. श्रीलंका में आपके सिविल वार हुआ था आज ही के दिन 23 जुलाई 1956 को वहाँ पे सिविल वार हुआ था. क्या क्यों हुआ था सिविल वार? आपके तमिल स्पीकिंग पर्सन्स ने आपके सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन्स के कम्युनिटी पे अटैक बोला था जिससे तकरीबन 2 से 2500 लोगों की उसमें मौत हुई थी. ओके क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपना ले आऊँगा तो मैं उसमें डिस्कस करूँगा. अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज़ के एथनिक कंपोजिशन में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन था वो कुछ इस तरीके से था. अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे अगर श्रीलंका बेल्जियम के बारे में पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, दोनों के एथनिक कंपोजिशन में श्रीलंका में क्यों सिविल वार हुआ, या उनके डायरेक्ट आपसे एथनिक कंपोजिशन के बारे में पूछ सकता है. ओके तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ कि बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में क्या डिफरेंसेस थे. ठीक अब बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में डिफरेंसेस जानेंगे. बेल्जियम में जिसकी मेजॉरिटी थी वो थे डच स्पीकिंग, आपको पता है ये वहाँ पे 59% थे. जो पॉपुलेशन थी उसका 59% आपके डच स्पीकिंग पर्सन्स थे. और श्रीलंका में जो आपका एथनिक कंपोजिशन था उसमें 74% कैसे स्पीकर्स थे, 74% आपके सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन्स थे. ओके तो कहने का मतलब है कि इन दोनों कंट्रीज़ में इनकी मेजॉरिटी थी. ओके अब माइनॉरिटीज़ किसकी थी, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग की. जर्मन स्पीकिंग केवल 1% थे और आपके फ्रेंच स्पीकिंग 40% थे. श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग कितने थे, 18% थे. और जो रिमेनिंग थे वो आपके कौन थे, क्रिश्चियंस थे. ओके तो यहाँ पे बताने का, आपको बताने का जो मतलब है वो आप ध्यान दीजिएगा
मैंने आपसे फिर एक बार लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें भी मैंने आपसे बताया था कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में जो पूरे बेल्जियम की जो क्या कहते हैं कंपोजिशन थी, इथनिक कंपोजिशन थी, और उस पर्टिकुलर कैपिटल सिटी की जो इथनिक कंपोजिशन थी उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था। मेजोरिटी भले ही वहां पे आपके डच स्पीकिंग की थी, लेकिन कैपिटल सिटी में उनकी क्या थी, माइनॉरिटी थी। ब्रुसेल में जहां पे जो कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहां पर केवल वो 20% ही थे और ऑल ओवर द बेल्जियम में वो 59% थे। ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट था आपके बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। पूरे श्रीलंका में और उनकी कैपिटल सिटी में भी 74% आपके सिन्हाला स्पीकिंग थे और वो अपने पूरे मेजॉरिटी का बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो आपके तमिल स्पीकिंग पर्सन के राइट्स को टॉलरेट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, जिसके कारण वहां पे सिविल वार की कंडीशन क्रिएट होती है। ओके, अब देखिए पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग से क्या होता है, पावर शेयरिंग से ये भी होता है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होने की नौबत आती है या जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की नौबत आती है, पावर शेयरिंग उसको भी रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज। ओके, आप कह सकते हैं कि जो आपके सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट की कंडीशन अराइज होती है उसको रिड्यूस करता है आपका पावर शेयरिंग। अब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के एथनिक कंपोजिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में ये था कि मेजॉरिटी आपके डच स्पीकिंग पर्सन की पूरे बेल्जियम में थी, लेकिन जो उसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल थी वहां पर इनकी माइनॉरिटी थी, जिसके कारण ये अपने मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं कर सकते थे। और श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में आपके सिन्हालास का क्या था, मेजॉरिटी था, 74% वहां पे वो रहते थे, और पूरे श्रीलंका में कि वहां के कैपिटल सिटी में भी और पूरे श्रीलंका में भी उन्हीं की मेजॉरिटी थी, जिसका वो लोग क्या कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे उसी अपने राइट्स की मदद से, अपने उस मेजॉरिटी राइट्स की मदद से वो तमिल स्पीकिंग को टॉलरेट कर रहे थे, उनके राइट्स को टॉलरेट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे और उनके ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे थे। उनके किसी भी राइट्स को, उनके किसी भी बातों को वो मानने को तैयार नहीं थे, वो अपने मनमानी तरीके से वहां पे वर्क कर रहे थे। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बस इतना ही डिस्कस करूंगा। जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था उसका मेन कॉज क्या था, ठीक है, क्यों हुआ था, और सिविल वार के बाद वहां पे होता क्या है, और बेल्जियम में अमेंडमेंट जो किया गया, बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें अमेंडमेंट करने के बाद वहां पे क्या क्या चीजें ऐड की गई थी, ये दो चीजों पर डिस्कस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।